नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कर्म कथा चैनल पर। आज हम बात करेंगे महान विद्वान और नीति शास्त्र के ज्ञाता आचार्य चाणक्य की। चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। चाणक्य ने अपने जीवन में अनुभव और ज्ञान से कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखा सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार किन 10 तरह के लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफलता और शांति चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी इसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिल सके। पहला है स्वार्थी लोग। चाणक्य कहते हैं, स्वार्थी लोग अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। ये लोग सिर्फ तब आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपसे कुछ पाने की उम्मीद होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको छोड़ देते हैं। स्वार्थी लोग कभी भी आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि उनकी प्राथमिकता हमेशा उनका अपना फायदा होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि उनके साथ रहकर आप हमेशा खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। ऐसे लोग आपकी सफलता में भी रुचि नहीं रखते, बल्कि जब उन्हें लगेगा कि आपकी सफलता से उनका कोई फायदा हो सकता है तभी वे आपकी मदद करेंगे। इसलिए चाणक्य के अनुसार स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग किसी भी स्थिति में आपके भले की नहीं सोचते। नंबर 2 पर आते हैं धोखेबाज लोग। धोखेबाज लोग दिखने में तो भरोसेमंद लग सकते हैं लेकिन जब समय आता है तो वे आपको धोखा देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग आपको संकट में अकेला छोड़ देते हैं। वे आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन मौका मिलते ही आपको धोखा देने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग जीवन में समस्याएं और तनाव पैदा करते हैं। कई बार ऐसे लोग आपके सबसे अच्छे दोस्त या करीबी बनकर आपके पास आते हैं लेकिन जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे धोखेबाज लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तीसरे है आलसी लोग। आलसी लोग न केवल खुद कोई काम नहीं करते बल्कि वे दूसरों को भी काम करने से हतोत्साहित करते हैं। चाणक्य के अनुसार आलसी लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते और वे आपको भी अपनी आलसी आदतों में खींचने की कोशिश करते हैं। इनकी संगति में रहने से आप भी आलस्य का शिकार हो सकते हैं और अपनी प्रगति रोक सकते हैं। अगर आप आलसी लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो धीरे धीरे आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। आपका उत्साह और मेहनत धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। चौथे है अत्यधिक क्रोधी लोग। जिन्हें हर छोटी बात पर गुस्सा आता है उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार क्रोधी व्यक्ति अपने गुस्से में अक्सर गलत फैसले लेते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्रोधी लोग छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े कर सकते हैं और आपको मानसिक तनाव में डाल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ लंबे समय तक रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। पांचवे है ईर्ष्यालु लोग। ईर्ष्या करना एक बहुत ही नकारात्मक भावना है और ऐसे लोग कभी आपकी उन्नति से खुश नहीं होते। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। वे आपकी सफलता से दुखी होते हैं और आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपकी छोटी छोटी सफलताओं को भी बुरा साबित करने की कोशिश करेंगे। वे आपके सामने तो आपकी तारीफ करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों से हमेशा सावधान रहें। नंबर 6 पर है लालची लोग। लालच एक ऐसी भावना है जो कभी तृप्त नहीं होती। लालची लोग सिर्फ अपने भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और रिश्तों की कदर नहीं करते। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि दूसरों को धोखा देने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। लालची लोग अक्सर पैसे और संपत्ति के पीछे पागल होते हैं। वे रिश्तों या भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि उन्हें क्या मिल सकता है। इसलिए चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। सातवें है झूठे लोग। झूठ बोलने वाले लोग कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग एक बार झूठ बोल सकते हैं वे बार बार झूठ बोलेंगे। ऐसे लोग आपको भ्रम में डाल सकते हैं और आपके जीवन को कठिन बना सकते हैं। उनकी बातों पर भरोसा करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। झूठे लोग आपकी पीठ पीछे गलत बातें फैला सकते हैं
या आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आठवें नंबर पर है अहंकारी लोग। अहंकार एक ऐसी भावना है जो इंसान को अंधा बना देती है। अहंकारी लोग खुद को सबसे बड़ा मानते हैं और दूसरों की इज्जत नहीं करते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और किसी की सलाह को भी अहमियत नहीं देते। अहंकारी लोग किसी भी स्थिति में अपनी गलती नहीं मानते और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके साथ रहना आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है, इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। नौवे हैं दोष निकालने वाले लोग। जो लोग हर चीज में कमी निकालते हैं, वे हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसे लोग कभी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते और दूसरों की गलतियों को ही ढूंढने में लगे रहते हैं। उनकी इस आदत से आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता खो सकते हैं। दोष निकालने वाले लोग आपको कभी भी प्रेरित नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा आपकी कमियों पर ध्यान देंगे। उनकी आलोचनाएं आपको हतोत्साहित कर सकती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। आखिरी और दसवें है भरोसा तोड़ने वाले लोग। चाणक्य के अनुसार, जो लोग एक बार आपका भरोसा तोड़ते हैं, उन पर दोबारा विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग न सिर्फ आपके भरोसे के लायक नहीं होते, बल्कि वे दोबारा आपको धोखा दे सकते हैं। भरोसा तोड़ने वाले लोग आपकी जिंदगी में दोबारा आकर फिर से आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जीवन हमें बताता है कि सही लोगों के साथ रहना और गलत संगति से बचना कितना जरूरी है। उन्होंने हमें जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बताया और सिखाया कि हमें किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है और हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी बुरी आदतें भी हमारे अंदर आ जाती हैं। ये आदतें हमारी प्रगति को रोकती हैं और हमें जीवन में पीछे ले जाती हैं। चाणक्य ने अपने अनुभवों से यह सिखाया है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और गलत संगति से खुद को बचाना चाहिए। स्वार्थी, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और क्रोधी लोग आपके लिए कभी भी अच्छे दोस्त साबित नहीं हो सकते। उनका व्यवहार आपके जीवन को मुश्किल बना सकता है। स्वार्थी लोग आपके साथ तभी होते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है, और धोखेबाज लोग तो बस आपका फायदा उठाने के मौके तलाशते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए ताकि हम अपनी खुशियां और सफलता बचा सकें। आलसी, लालची और झूठे लोग भी आपकी प्रगति के लिए खतरा होते हैं। आलसी लोग अपनी आदतों से आपकी ऊर्जा और मेहनत को नष्ट कर सकते हैं, और लालची लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। झूठे लोग तो आपकी पीठ पीछे गलत बातें कहकर आपके रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को न आने दें। अहंकारी और दोष निकालने वाले लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ रहकर हम भी अपनी खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हैं। ऐसे लोग कभी आपके अच्छे काम की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग आपकी खुशी और आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं, इसलिए उनसे हमेशा दूर रहना ही बेहतर है। आखिर में भरोसा तोड़ने वाले लोग होते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जीवन में एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग एक बार आपका भरोसा तोड़ चुके हैं, उनसे सावधान रहना और दूर रहना ही सही है। इन 10 तरह के लोगों से दूर रहकर आप अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर सकते हैं। चाणक्य की नीतियां हमें बताती हैं कि सही सोच और सही संगति ही सफलता की कुंजी है। अगर हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 तरह के लोग जिनसे चाणक्य के अनुसार हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम इन नीतियों का पालन करेंगे तो जीवन में शांति, सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने में मदद करती हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, और जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलें।